हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सूरज यादव जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे ज्यादा ही पुरानी भी गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए था। गेम खेली गई थी 1844 में और खेलने वाले खिलाड़ी थे अलेक्जेंडर हॉफमैन वर्सेस अलेक्जेंडर अनदर अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर पेट्रोव। वैसे फ्रेंड्स, आई थिंक दोनों खिलाड़ी जर्मनी के थे क्योंकि गेम भी जर्मनी वर्साय में खेली थी। तो चलिए, अब मैं सीधा गेम को शुरू करता हूँ। गेम की शुरुआत यहाँ E4 के साथ की थी हॉफमैन ने और पेट्रोव ने यहाँ E5 किया था। फ्रेंड्स, इस गेम का टाइटल आप देखकर ही समझ गए होंगे, पेट्रोव इमॉर्टल। और इमॉर्टल गेम में कहाँ कहाँ से पीस सेक्रीफाइस होते हैं और किस वजहों से सेक्रीफाइस होते हैं समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाइट F3 यहाँ व्हाइट ने किया, नाइट C6 यहाँ पेट्रोव ने किया। बिशप C4 इटालियन गेम, देन बिशप गया C5 स्क्वायर पर, C3 गुइगो पियानो हुआ, देन नाइट गया F6 स्क्वायर पर, D4 E takes D4, that's it, then E5 नाइट पर अटैक बना और ये नाइट गया E4 स्क्वायर पर। और मैं इस नाइट को बहुत अच्छा स्क्वायर तो नहीं मानता इस नाइट के लिए, क्वीन अगर आती भी है तो खैर काफी डेंजरस यहाँ गेम खेली जा सकती है, लेकिन ब्लैक के प्लान्स बहुत डेंजरस थे। व्हाइट ने यहाँ पहले किया बिशप D5 और उन्होंने नाइट पर ही अटैक बना और लेकर जाओ, कहाँ लेकर जाओगे इस नाइट को। इस नाइट के लिए कोई स्क्वायर अवेलेबल ही नहीं है, चारों तरफ इस नाइट को घुमा कर देख लीजिए। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पेट्रोव ने किया नाइट टेक्स और नाइट टेक्स F2। आखिर उनका करने का गेम प्लान क्या है, आप यहाँ देखिए कि वे यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक देने की थ्रेट दे रहे हैं। दैट्स ओके, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वैसे तो फिलहाल क्वीन और रुक पर फॉक है तो कह सकते हैं ऑलमोस्ट फोर्स्ड है, लेना भी चाहिए। क्वीन टेक्स F2, देन डी टेक्स C3 चेक और अब ये किंग कहाँ जाए, F1 स्क्वायर आई थिंक बेटर। किंग को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने सेफ्टी में रखना चाहिए और उसके बाद शायद हो सकता था, लेकिन इजी नहीं है इस मूव को इंप्लीमेंट करना। खैर, व्हाइट ने यहाँ किया था किंग G3 स्क्वायर पर और उसके बाद C takes B2 और यहाँ एक नाइट देकर आखिर व्हाइट को मिला क्या है। आई थिंक 3 पॉन व्हाइट ले व्हाइट के मिल चुके हैं ब्लैक को। Bishop takes B2, देन नाइट गया E7 स्क्वायर। और फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर आई थिंक व्हाइट, थोड़ी देर पहले तक मुझे लगता था कि F1 स्क्वायर पर किंग चला जाता बेटर था, लेकिन चलिए G3 स्क्वायर पर आया है तो उसे H3 यहाँ खोलकर अपने किंग के लिए सेफ पैसेज देने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन पता नहीं यहाँ क्या हुआ, हॉफमैन ने अपने किंग को सेंटर में छोड़कर किंग की सेफ्टी पर ध्यान ना देकर अटैक लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ नाइट को G5 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन नाइट टेक G5, बिशप ही एलिमिनेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ गेम किस तरह से आगे बढ़े देखा जाए तो अगर यहाँ क्विंटेक्स नाइट होगा तो क्विंटेक्स नाइट यहाँ एक चेक के साथ व्हाट यू कैन से कि ब्लैक भी कर लेगा और उसके बाद किंग बिशप। फ्रेंड्स, काफी डेंजरस गेम यहाँ हो सकती है। चलिए गेम को देखते हैं, यहाँ गेम में हुआ था नाइट टेक्स F7 और फ्रेंड्स नाइट टेक्स F7 आखिर किन प्लानिंग्स के साथ हुआ है। यहाँ हॉफमैन की प्लानिंग बहुत डेंजरस है। सबसे पहले तो क्वीन और रुक पर अटैक है और अगर ब्लैक यहाँ किंग टेक्स F7 कर ले तो उसके बाद सिंपली क्वीन D5 चेक होगा, पॉन मिला, नाइट एक्शन इक्वल होगा, किंग E8 स्क्वायर पर जाएगा और ब्लैक का किंग सेंटर में ही रह जाएगा। क्वीन टेक्स C5, बिशप भी यहाँ जाएगा। तो क्लियरली कह सकते हैं कि व्हाइट अभी यहाँ टर्म्स डिसाइड कर रहा होगा इस गेम में, लेकिन अब यहाँ ब्लैक अपनी इस क्वीन को बचाए, रुक को बचाए, करे तो करे क्या। यहाँ पेट्रोव ने किया कैसल, अपनी क्वीन को नहीं बचाया और चूंकि क्वीन को नहीं बचाया गया है तो शायद मेरे ख्याल से बिशप C1 जैसी कोई ऑप्शन कंसिडर करनी चाहिए थी। नाइट कैसे जाता, चलिए देखते हैं। यहाँ हुआ था नाइट टेक्स D8, आखिर कौन छोड़ेगा इस क्वीन को। पर यहाँ पेट्रोव को एक जबरदस्त अटैक लगाने का मौका मिला सिंपली बिकॉज यहाँ ये एफ फाइल रूक ने कवर की हुई है और ऑलरेडी दो पीसेस यहाँ इस किंग हंट में काफी दूर नहीं होंगे, इस किंग से आराम से वो पहुंच सकते हैं इस किंग के नजदीक। और तीसरा, यहाँ ये डी पॉन पुश होने के बाद एक पोटेंशियल चांस इस बिशप के भी अटैक बनने का है। बिशप F2 चेक यहाँ पहले ब्लैक ने किया, किंग कहाँ जाएगा, किंग खैर दोनों स्क्वायर्स में से जहां भी जाए ये डी पॉन आगे पुश होगा ही होगा। किंग गया H3 स्क्वायर पर, देन D6 ऑब्वियस है, तो E6 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, कह सकते हैं ठीक मूव है। नाइट देन ठीक है, काफी मेटेरियल मेरे ख्याल से व्हाइट को मिल चुका है, थोड़ा बहुत वापस दे देते कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले किया नाइट F4 चेक, किंग गया G4 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स E6 और यहाँ इस पॉइंट पर मेटल एक्शन कर लिया। आई थिंक अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़े, वाइट यहाँ क्या कर सकता है। आई थिंक G3 की ऑप्शन, अगर यहाँ से ही आगे गेम बढ़ती है तो नाइट
d4 चेक होगा, किंग ये चेकमेट तक पहुंचेगी गेम यहाँ से, देन नाइट f3 चेक होगा, और अगर ये किंग गलती से h5 स्क्वायर पर चला गया तो उसके बाद होगा g6 चेक, दूसरा कोई स्क्वायर भी नहीं उसको नहीं जाने के लिए, किंग जाएगा h6 स्क्वायर पर, देन बिशप e3 चेक एंड दैट्स एंड मेट। तो यहाँ इस पॉइंट पर अगर गेम बचनी है तो वो क्वीन टेक्स f3 कह सकते हैं वाइट को करना होगा, रूक टेक्स f3 और फिर दैट्स इट, गेम में बचेगा ही कुछ नहीं। लेकिन गेम पर चलते हैं, गेम एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ होता है नाइट टेक्स। लेकिन ऐसा करने के बाद बिशप की एंट्री हुई, बिशप टेक्स e6 चेक किंग के लिए बचा है g5 स्क्वायर, देन रुक f5 चेक, किंग वापस g4 स्क्वायर पर, h5 चेक, किंग गया h3 स्क्वायर पर, देन क्या मुझे बताने की जरूरत है, इससे ज्यादा सिंपल चेकमेट और क्या हो सकती है, रुक f3 डबल चेक बिशप से भी और रुक से भी, और क्लियरली यहाँ चेकमेट है। फ्रेंड्स वाकई में ये गेम हम कह सकते हैं पेट्रोव इमॉर्टल ही है। और इस गेम को एंड करने से पहले, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं जरूर यहाँ सूरज यादव जी का धन्यवाद देने जाऊंगा, जो इतनी डेडली गेम है उन्होंने हम सभी को बताई। और होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।